रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में बीते दिन दारोगा पर हुए हमले मामले का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान दो अपराध कर्मी और दारोगा के बीच खींचतान और झड़प हुई थी। इस बीच गोली लगने से दारोगा जख्मी हुए, हालांकि उन्होंने अपनी वीरता का सबूत देते हुए सूझबूझ के साथ बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन चिंतनीय ये रहा कि गंभीर चोट की वजह से अपराधी भाग निकले। उन्होंने बताया कि उक्त मामले के उद्भेदन और संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर अनुसंधान और छापेमारी करते हुए दोनों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पथल कुड़वा निवासी इमरोज अंसारी और इदरीश कॉलोनी के गढ़ा टोली निवासी तौकीद मलिक शामिल हैं। इसके साथ ही एसएसपी ने यह भी बताया कि इन अपराधियों द्वारा अन्य चेन स्नेचिंग के करीब 30 मामले भी स्वीकार किए गए हैं। इन अपराध कर्मियों के पास से एक लोडेड देशी पिस्टल मैगजीन के साथ घटना में प्रयुक्त एक देशी कट्टा, 3.15 बोर का जिंदा कारतूस 6 पीस, जिंदा कारतूस एक केएफ 3.25, डीयू स्कूटी घटना में प्रयुक्त हुआ बड़ा स्प्रिंग वाला चाकू और दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसपी सिटी नेतृत्व में टीम फ्रेम किया गया था, जिसमें कि डीएसपी सिटी, डीएसपी साइबर और तमाम जो थाने के पदाधिकारी लोग लगे हुए थे कि उसका जो हॉट स्पॉट होता है, जो क्राइम पैटर्न होता है कि कहाँ किस किस रूट से वो लोग भागता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कल शाम में चुटिया थाने में एक इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि कुछ जगह से कुछ लोग का मूवमेंट हो रहा है और मे बी ये लोग शायद चेन स्नेचर हों। तो उसी में रेकी करने के लिए जो थाने के PSI हैं सुभाष चंद लकड़ा द्वारा वहाँ पे एक स्पॉट पे उन लोगों को रेकी किया जा रहा था। रेकी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पहचान लिया, इसको हाथ से रोकने का इशारा किया और जो स्नेचर थे उनके इशारे की अवहेलना करते हुए भागना शुरू किया। अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए सुभाष चंद लकड़ा ने उनमें से दोनों पकड़ लिया और उसमें से जो एक दूसरा जो था साथी उसका वो भागते हुए इस पर जानलेवा हमला किया, जिसके पिस्टल से उनकी गोली लगी और वो अभी इंजर्ड हैं बट सेफ हैं। और चूंकि पुलिस पे अटैक था और इसमें हमारे PSI इंजर्ड थे, तो इस परिप्रेक्ष्य में इमीडिएट एक्शन के लिए एक फिर से कि इसमें जो क्रिमिनल है, जो इसके पीछे गुनाहगार है, उसकी यथाशीघ्र अरेस्टिंग हो सके, एसपी सिटी के नेतृत्व में फिर से टीम ने अपने आप को फिर से एग्जीक्यूट किया और दो डिफरेंट टीम बनी, वन टीम लीड बाय द DSP सिटी, अनदर टीम लीड बाय द DSP साइबर यशोदा। और इसमें से इन दोनों की अरेस्टिंग विद इन द टाइम किया गया और इनके पास से जो घटना में उपयोग हथियार था उसकी रिकवरी की गई है। और साथ ही इन दोनों की इंट्रोगेशन से अभी तक पुलिस ने लगभग 30 स्नेचिंग के कांडों का खुलासा कर लिया है, जिन्होंने कन्फेशन में कहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे पड़े कुछ आइटम्स, ज्वेलरी आइटम्स हैं, बेसिकली ये लोग स्नेचिंग करने के बाद किसी ज्वेलरी शॉप के माध्यम से उसको मेल्ट करके इस दूसरा आइटम में कन्वर्ट करके अपने आप में करते थे या बेचते थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर पे कत्ल जानलेवा हमला के आरोपी दोनों गुनाहगार इमरोज अंसारी और तौकीद मलिक की अरेस्टिंग हो चुकी है और इसमें जो प्रयुक्त सामान थे इसकी रिकवरी की गई है। बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से इस घटना को, इस इंसिडेंट को डिटेक्ट किया गया, अरेस्टिंग किया गया है और मैं मानूंगा कि इस जो स्विफ्ट एक्शन के लिए ये पूरी टीम बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब अभी हाल फिलहाल में कि जो थाना प्रभारी लोअर बाजार, थाना प्रभारी सदर, थाना प्रभारी लालपुर, थाना प्रभारी चुटिया और ये थाना प्रभारी खदगढ़ा, साथ ही PSI सभी लोग इस टीम में थे और वेल कोऑर्डिनेट, वेल प्लान्ड और बहुत प्रोफेशनल तरीके की जीरो इन्फॉर्मेशन था, उस बावजूद भी पुलिस ने विद इन टाइम इस पर डिटेक्ट किया है और इट्स ए ग्रेट वर्क फ्रॉम रांची पुलिस।